हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी एंड यू वाचिंग योर फेवरेट जेबीटी एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल। भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नवाजुद्दीन इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसने अपने मेहनत के दम पर नाम कमाया है, पर आजकल कुछ टाइम से वो अपने प्रोफेशनल लाइफ नहीं पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले इन्होंने अपने वाइफ के साथ बुरा किया, जिसके बाद इनकी वाइफ आलिया ने घरेलू विवाद के चलते नवाज पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब इनकी नौकरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इनकी नौकरानी सपना दुबई वाले घर पर कैद है और अब वो दाने दाने को तरस रही है। सपना ने एक वीडियो डाली जिसमें वो अपने आप बीती बता रही है। दरअसल कुछ टाइम पहले ही नवाज की बीवी भी दुबई से जैसे तैसे निकली, पर ये यहाँ फंस कर रह गई, जिसमें वो सैलरी ना मिलने की बात कर रही है। सैलरी से वीजा का पैसा डिडक्ट कर रहे हैं, साथ ही खाने को भी कुछ नहीं है। साथ ही रिक्वेस्ट कर रही है कि यहाँ से निकालो, घर जाना है इंडिया, मुझे टिकट चाहिए, सैलरी चाहिए। मैडम के जाने के बाद सर ने मुझे वीज़ा लगा के दिया था, तो मुझे अभी तक कोई उससे वो मुझे सैलरी से वीज़ा के से पैसे सैलरी से काट रहे हैं, तो मुझे अभी सैलरी 2 मंथ से अभी कोई सैलरी नहीं मिल पा रहा। उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया, और पूनम दीदी भी अभी अभी गए, वो भी बहुत प्रॉब्लम में थी, इसके वजह से उनका भी बिजली का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, उनको भी इंडिया नहीं जाने दे रहे थे, तो वो भी बहुत मुश्किल से इंडिया पहुँचे हैं। तो जब अभी तो यहाँ पर मैं अकेली हूँ दुबई में, तो मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है और इतनी पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे यहाँ से निकालो, मेरी सैलरी चाहिए मुझे, और मुझे अपने घर पर जाना है इंडिया, मुझे मेरी टिकट चाहिए और मुझे सैलरी चाहिए, मैं आपके आगे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, थैंक यू। साथ ही आलिया के वकील रिजवान ने भी ट्वीट करके बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि सपना को नवाज ने गलत ढंग से हायर किया है। रिपोर्ट्स की माने तो एक अज्ञात कंपनी का मैनेजर बनाकर दुबई लेकर गए, वो भी अपने बच्चों की देखरेख के लिए। यानी हर कदम पर नवाज ने झूठ ही बोला है। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होगी इस मामले पर। वेल, दैट्स इट फॉर नाउ। फॉर मोर अपडेटेड एंटरटेनमेंट न्यूज़, प्लीज़ लॉग इन आवर वेबसाइट www.thejbt.com।